हेलो दोस्तों, हाउस प्लानेट 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 फीट बाई 50 फीट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 30 फीट। 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ पीछे से लेकर यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 50 फीट। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है, तो 30 × 50 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा 9 फीट का मेन गेट। मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक है 15 फीट 4 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक है 12 फीट 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से हमारी एक कार पार्क हो जाएगी और इस तरफ सामने हमने 2 फीट 7 इंच चौड़ाई के अंदर हमारा पैसेज रहेगा और पार्किंग एरिया के अंदर ही हमारा स्टेयर केस है। यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 3 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग होगा। पार्किंग के सीधे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 3 इंच बाई 17 फीट 9 इंच। 11 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और डाइनिंग और लिविंग इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर ओपन किचन है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट 3 इंच और इस किचन की हमारी विंडो यहाँ पर निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट है। 12 बाई 12 का हमारा बेडरूम है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही और एक 4 फीट की विंडो पार्किंग एरिया की तरफ निकल रही है। अब चलिए इस तरफ बाहर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 14 फीट 9 इंच और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। पीछे हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 2 फीट 7 इंच चौड़े के अंदर स्पेस और ये हमारा पूरा गार्डन एरिया रहेगा बैक साइड के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 4 इंच बाई 15 फीट 8 इंच और इसके अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रहेगा और साथ में इस बेडरूम की विंडो भी निकल रही है 4 फीट की। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। अटैच टॉयलेट से बाहर आते तो बेडरूम, इस बेडरूम से बाहर आते इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का थर्ड बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट है। 12 बाई 13 का हमारा घर का थर्ड बेडरूम है, इसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे गार्डन एरिया के अंदर निकल रही है और इस बेडरूम का अटैच के अंदर भी यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो 30 फीट बाई 50 फीट प्लॉट की साइज है 30 फीट बाई 50 फीट का। यहाँ पर 9 फीट का मेन गेट होगा, मेन गेट से हम जैसे एंटर होते हैं तो पार्किंग है, यहाँ पर हमारा स्टे रहेगा, यहाँ पर घर का मेन डोर है, मेन डोर से एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया और इस तरफ किचन है, यहाँ पर बेडरूम है और पीछे की साइड 2 बेडरूम है और दोनों बेडरूम का अटैच टॉयलेट है और यहाँ पर बीच में हमारा गार्डन एरिया हमने दे रखा है। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको उसकी पूरी डिटेल समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।